क्या 2024 में फ्रंट एंड सीखने से आपको जॉब मिल जाएगी? ठीक है, ऐसा बहुत सारा डाउट स्टूडेंट्स को होता है, तो मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि फ्रंट एंड के अंदर क्या क्या चीजें आपको सीखनी चाहिए, फ्रंट एंड में क्या कंटेंट होता है, फ्रंट एंड के अंदर प्रोजेक्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फ्रंट एंड के अंदर पैकेजेस क्या होता है, फ्रंट एंड कौन कौन सी कंपनियां प्रीफर करती है, ठीक है, फ्रंट एंड के अंदर आपके कोर्स का लेवल क्या होना चाहिए, ठीक है, ये सभी चीजें मैं इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करूंगा। लास्ट तक आप मेरा वीडियो देखिए, इससे आपको बहुत सारा हेल्प मिलने वाला है जो लोग फ्रंट एंड की प्रिपरेशन करके जॉब गेट करना चाहते। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि देखो, फ्रंट एंड को लेकर के बहुत सारी गलतफहमी होती है, बहुत सारी कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स के माइंड सेटअप में कि फ्रंट एंड में जनरली होता क्या है, क्योंकि आजकल फ्रंट एंड दो सेगमेंट में डिवाइड हो चुका है। एक है आपका ट्रेडिशनल फ्रंट एंड कंटेंट और एक है आपका मॉडर्न फ्रंट एंड कंटेंट। तो मैं पहले आपको ट्रेडिशनल फ्रंट एंड कंटेंट बताता हूं कि पुराना फ्रंट एंड में क्या-क्या सीखना होता था। पुराना जो फ्रंट एंड है उसके अंदर सबसे पहले हम HTML सीखते थे, HTML के बाद हम CSS सीखते थे, CSS के बाद हम JavaScript सीखते थे और थोड़ा बहुत हमने बूटस्ट्रैप सीख लिया, ठीक है। तो यदि आपने इतना कर लिया तो ये ट्रेडिशनल फ्रंट एंड हो गया। यदि आप सिर्फ इतना सीखते हो HTML, CSS, JavaScript और बूटस्ट्रैप, तो इसके बेसिस में आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो फिर आपके दिमाग में ये आता होगा फिर क्या सीखना होगा, तो आपको मॉडर्न फ्रंट एंड में जाना होगा। मॉडर्न फ्रंट एंड का मतलब ये होता है कि आपको HTML, CSS, JavaScript और बूटस्ट्रैप तो सीखना ही होगा, साथ ही साथ आपको आज के डेट में जब फ्रंट एंड JavaScript इन डेप्थ सीखना होगा, ठीक है, मतलब JavaScript का बहुत ही ज्यादा थोरो नॉलेज आपको गेट करना होगा, जिसके अंदर आपको JavaScript के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, JavaScript के अंदर ES6 या ES7, ES8 मतलब ECMAScript के अंदर के कॉन्सेप्ट आपको सीखना होगा, और साथ ही साथ आपको कोई ना कोई एक लाइब्रेरी भी JavaScript का सीखना होगा या फ्रेमवर्क सीखना होगा। अब मैंने आपको बोला लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क, मतलब दो में से कोई एक सीख सकते हो तब भी आपकी जॉब लग सकती है। लाइब्रेरी में कौन क्या सीखना चाहिए आपको, React.js, और फ्रेमवर्क में आपको क्या सीखना चाहिए, Angular। तो मतलब मैं आपको पूरा एक कैटलॉग बता रहा हूं कि यदि आप 2024 के लिए एज अ फ्रंट एंड डेवलपर प्रिपेयर हो रहे हैं तो आप बिल्कुल अपने दिमाग से गलतफहमी निकाल दीजिए कि आपको सिर्फ HTML, CSS, JavaScript और jQuery का नॉलेज है तो कोई भी कंपनी आपको हायर करने वाली है। तो एक कंपनी के अंदर का पूरा फ्रंट एंड के अंदर का जो क्वालिफिकेशन है या फ्रंट एंड के अंदर का जो कंटेंट है वो पूरा चेंज हो चुका है। आज के डेट में कंपनी ऐसे बंदों को हायर कर रही है जिनको फ्रंट एंड के अंदर HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Bootstrap के साथ साथ React या Angular का नॉलेज हो, JavaScript का थोरो नॉलेज हो, ठीक है। इसके अलावा कुछ टूल्स का नॉलेज भी होना चाहिए। आज के डेट में फ्रंट एंड डेवलपर्स को फ्रंट एंड डिजाइनर ना बोलकर फ्रंट एंड डेवलपर्स बोला जाता है। डेवलपर्स इन द सेंस कि आपका लॉजिक बिल्डिंग कॉन्सेप्ट भी अच्छा होना चाहिए। पहले ऐसा होता था कि फ्रंट एंड इंजीनियर्स को सिर्फ डिजाइनिंग का नॉलेज है, सिर्फ क्रिएटिविटी है, सिर्फ लेआउट डिजाइनिंग आता है, सिर्फ कलर सिलेक्शन आता है, ठीक है, तो फ्रंट एंड इंजीनियर्स को हायर करती थी कंपनी। लेकिन अब आजकल ऐसा हो रहा है कि आपका यदि लॉजिक बिल्डिंग है तभी आप एक फ्रंट एंड इंजीनियर्स या फ्रंट एंड डेवलपर्स बन सकते हैं, ठीक है। तो लॉजिक बिल्डिंग करने के लिए सबसे बेटर माध्यम क्या है कि आप जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छे से पढ़िए। जावास्क्रिप्ट के अंदर बेसिकली आप ऑपरेटर कॉन्सेप्ट, वेरिएबल कॉन्सेप्ट, कॉन्स्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, डेटा टाइप कॉन्सेप्ट, साथ में आप इफ एल्स, स्विच, लूप, एरे, कलेक्शन, मैप, ठीक है, ये सभी चीजें आपको बहुत डेप्थ में सीखनी होगी। साथ में स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट हो गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर हो गया, ये सब चीजें मैंने अपने जावास्क्रिप्ट के रोड मैप के अंदर बताया हुआ है। साथ में आप रिएक्ट जेएस के अंदर का मेरा जो रोड मैप या करियर का वीडियो देख सकते हो, वहां पर भी मैंने रिएक्ट जेएस के अंदर इन डेप्थ बताया हुआ है, ठीक है। तो इससे आपको बहुत सारा हेल्प मिलने वाला है कि फ्रंट एंड के लिए हम किस तरीके से प्रिपेयर हों। अब ये तो एक कॉमन वीडियोस है, मतलब ये चीजें जो मैंने अभी आपको बताया ये बहुत सारे YouTube वीडियोस के अंदर मिल जाएगा, लेकिन फ्रंट एंड के अंदर कुछ और हिडन चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए। अब वो क्या है, ठीक है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि देखो, सबसे मेन होता है आपका कोड डिबगिंग। आजकल क्या होता है कि जैसे आप रिएक्ट जेएस यूज करोगे तो आपको डिबगिंग का मतलब पता होना चाहिए कि कैसे आपका डेटा ब्राउजर्स के अंदर आ रहा है, कैसे आप ब्राउजर्स के अंदर कोई भी डेटा को यदि आप हिट कर रहे हो, मतलब किस तरीके से आप अपने वेब सर्विसेज के अंदर के रिक्वेस्ट रिस्पांस को चेक कर सकते हो, HTTP मेथड्स क्या होते हैं, पोस्टमैन, स्वैगर, इस टाइप के जो टेस्टिंग टूल होते हैं, API टेस्टिंग टूल होते हैं, इनका भी जानकारी आपको होनी चाहिए। मतलब आपको API का नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली एज अ फ्रंट एंड इंजीनियर्स या एज अ फ्रंट एंड डेवलपर्स आपको API के साथ ही खेलना है, ठीक है, मतलब API के अंदर ही आपको पूरा का पूरा वर्क करना है। तो API का नॉलेज होना रिक्वायर्ड हो चुका है आज के डेट में फ्रंट एंड डेवलपर्स को, ठीक है। तो API के अंदर टेस्टिंग टूल में सबसे बेटर टेस्टिंग टूल मैं आपको बताना चाह रहा हूं पोस्टमैन, और सेकंड नंबर पे होता है स्वैगर। अब ये बात हुई, अब इसके बाद मैं आपको बताना चाह रहा हूं नेक्स्ट थिंग जो एक फ्रंट एंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको थोड़ा सा ग्राफिक का भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि कंपनी आज के डेट में ग्राफिक डिजाइनर को अलग से हायर नहीं करती, क्योंकि आजकल बहुत सारे रेडीमेड टूल्स होते हैं जहां पर एक नॉर्मल लेवल का ग्राफिक अपडेशन आप कर सकते हो। तो इसके लिए ग्राफिक के अंदर जैसे आपको किसी भी इमेज को क्रॉप करना है, इमेज को रिसाइज करना है, इमेज को रीअरेंज करना है, इमेज के अंदर कुछ कलर्स या कुछ ओवर कलर्स आपको निकालना है, इमेज के अंदर कुछ बॉक्सिंग ऐड करना है, बॉक्स ओवर ऐड करना है, ठीक है, इमेज के अंदर आपको कुछ राउंडेड बॉर्डर बनाना है, तो ये सब चीजें यदि आपको करना है तो ये तो आप CSS से भी कर सकते हो, साथ ही साथ आपको कुछ ग्राफिकल टूल्स के थ्रू भी कर सकते हो। तो ग्राफिकल टूल में आपको कैनवा का नॉलेज बहुत अच्छे से होना चाहिए, और साथ ही साथ एक
चीज और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज के डेट में पीएचडी जैसे फोटोशॉप डिजाइनिंग पहले चलता था, ये आपका ट्रेडिशनल हो चुका है। आजकल मॉकअप्स का जमाना है, आज के डेट में वायर फ्रेम बनाया जाता है, तो वायर फ्रेम के लिए आपको थोड़ा सा फिग्मा का नॉलेज भी होना जरूरी। तो कैनवा, फिग्मा और एपीआई, ये एक्स्ट्रा चीजें होती है। यदि आपने फ्रंट एंड के अंदर ये चीजें कर ली तो आप किसी भी कंपनी के अंदर फ्रंट एंड इंजीनियर्स में सेलेक्ट हो सकते हो और आपकी प्रायोरिटी सिलेक्शन की अदर इंजीनियर्स या अदर कैंडिडेट की अपेक्षा ज्यादा हो। Naukri.com के अंदर, इंडीड के अंदर या जितने भी टॉप जॉब पोर्टल्स हैं, यदि आप उनके अंदर सर्च करेंगे तो फ्रंट एंड इंजीनियर्स की जॉब 40% है मार्केट के अंदर। 60% जो है अदर जॉब्स है, लेकिन उसमें 40% फ्रंट एंड इंजीनियर्स की जॉब निकल रही है, क्योंकि एक्चुअली क्या हो रहा है कि जितने भी ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट हो रहे हैं वो सभी के सभी री इंजीनियरिंग हो रहे हैं। जैसे फेसबुक का भी री इंजीनियरिंग हो रहा है, गूगल का री इंजीनियरिंग हो रहा है, माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी एप्लीकेशन, इन सबका री इंजीनियरिंग हो रहा है। तो जो री इंजीनियरिंग हो रहा है उसमें ट्रेडिशनल जो हमारा डिजाइनिंग है, ट्रेडिशनल जो यूआई है पूरा, वो मॉडर्न यूआई में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। तो उसके लिए फ्रंट एंड इंजीनियर की रिक्वायरमेंट हर कंपनी की है। अकेले यदि आपने, मैंने जो फ्रंट एंड के अंदर की जो चीजें मैंने आपको बताई, यदि आप ये चीजें बहुत अच्छे से सीखते हैं तो आपको जॉब में बहुत सारा हेल्प मिलने वाला है। और जितने भी लोग फ्रंट एंड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके कंपैरिजन में आपको जॉब जल्दी गेट होगी। अब मैं बात करता हूं कि कौन सी कंपनी फ्रंट एंड में काम करती है। दुनिया की जितने भी आईटी कंपनी है जो वेब डेवलपमेंट के अंदर काम करती है, वो सभी फ्रंट एंड में काम करती है, चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो, चाहे वो सर्विस बेस्ड कंपनी। चाहे आप गूगल को ले लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट को ले लीजिए, जितने भी टॉप कंपनीज हैं, ठीक है, जितने भी टॉप टेक कंपनीज हैं, वो सभी के सभी फ्रंट एंड में काम करती है। इसलिए आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए कि छोटी कंपनी ही फ्रंट एंड में काम करती है, बड़ी कंपनी भी फ्रंट एंड इंजीनियर्स के लिए अप्लाई कर सकती है। अब मैं पैकेज की बात करता हूं कि एवरेज पैकेज क्या होता है फ्रंट एंड इंजीनियर्स का। तो एवरेज पैकेज होता है आपका 4-5 लाख, ठीक है। यदि आप फ्रंट एंड इंजीनियर्स की बात करें तो आपको इनिशियली हो सकता है कम पैकेज मिले, लेकिन 2 या 3 साल के अंदर जो एवरेज पैकेज रेशियो है, यदि आपको 2-3 इयर्स का एक्सपीरियंस, 4-5 लाख आप गेट कर सकते हो, और 5-6 लाख में आप डबल सैलरी भी गेट कर सकते हो, ठीक है। तो फ्रंट एंड इंजीनियर्स के लिए बहुत अच्छी सैलरी डिमांड है मार्केट में, इसका बहुत सारा जॉब है, और इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि आप इसको बहुत आसानी से सीख सकते हो, ठीक है। जैसे बैकएंड डेवलपमेंट सीखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होता है, क्योंकि बैकएंड के अंदर आपका लॉजिक बिल्डिंग का रोल 90% होता है, फ्रंट एंड के अंदर आपका सिर्फ 60% आपका क्या है, क्रिएटिविटी, और 30% ही आपको लॉजिक बिल्डिंग करना है। तो फ्रंट एंड आप बहुत आसानी से सीख सकते हो, बहुत कम समय में सीख सकते हो, और जो जो टेक्नोलॉजी मैंने आपको फ्रंट एंड के लिए बताई उस टेक्नोलॉजी को आप बिल्कुल नोट कर लीजिए, और ये टेक्नोलॉजी आप बहुत अच्छे से सीखिए, इससे आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी। 2024 में यदि आप ये सब चीजें सीखते हो तो आपका रिज्यूम को सेलेक्ट होने के चांसेस भी 90% बेटर होंगे एज कंपेयर टू नॉर्मल फ्रंट एंड इंजीनियर्स। थैंक यू।